नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हल्द्वानी शहर है उसके तिकोनिया एरिया स्ट्रीट चौराहे पे हूँ। यहाँ पर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा आज बारिश से यहाँ पर कैसे हाल है, किस तरह से यहाँ पर रोडों में पानी है और कैसा यहाँ पर हालात है, सारा कुछ बताएंगे आपको। लोकेशन में जरा दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर हूँ और यहाँ पर कितना पानी है। बने रहिए आप मेरे चैनल पर। होंगे ये है मेन हल्द्वानी का तिकोनिया चौराहा, सामने दिख रहा होगा उसके जस्ट बगल में। ये देखिए यहाँ पर से एक नाला आता है, इधर साइड से भी एक नाला आता है और इधर साइड भी एक नाला आता है। तो यहाँ पर ना ये नाला भरने के बाद काफ़ी ऊपर आ गया, देखो कितना गंदा गंदा पानी है और इधर से ये आ रहा है। और इधर ज़रा मैं दिखा देता हूँ, देखो ये जो ये सर्विस सेंटर का जो ये गैरेज है, इस गैरेज में यहाँ पर पूरा पानी घुस गया है। ज़रा मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, ये जो गैरेज है पूरा पानी घुस गया है। देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो पूरा यहाँ पर पानी घुस गया है। अंदर ये लोग खड़े हैं, ये देखो यहाँ तक पूरा पानी घुस गया है। ये देख रहे हो गाड़ियाँ आड़ियाँ सब, मतलब काम करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर है नहीं। कहाँ से आया ये पानी, रोड में से? तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर से ये जो गेट है इनका, रोड में से इनका यहाँ गैरेज भर गया पूरा पानी से। देखो पूरा लबालब हो गया, पीछे तक इनकी गाड़ियाँ लगभग आधी डूब चुके हैं और कर्मचारी लोग ऑफिस भी यहाँ पर अभी थोड़ी देर और बारिश आएगी, थोड़ा पानी आएगा तो और यहाँ पर पूरा डूब जाएगा ऑफिस, मतलब डूबेगा क्या, मतलब पानी घुस जाएगा उसके अंदर। इसके बाहर का क्षेत्र ये देखें, अगर ऊपर का भी मैं ज़रा दिखा देता हूँ, ये है पीछे कैनाल रोड का एरिया। यहाँ पर नाले चौक हो गए हैं और पानी एकदम अंदर को घुस रहा है। ये देखो यहाँ पर भी घुस गया है, देखो ये नेशनल इंश्योरेंस का एक ऑफिस है, यहाँ भी थोड़ा बहुत पानी घुस गया है, ऊपर से आ रहा है ये पानी। ये देखो कि यहाँ पर कितना पानी है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर तिकोनिया में अक्सर बना रहता है। नाले साफ हो रहे हैं फिर भी यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। ये देखिए यहाँ का क्षेत्र है, देख लो आप भाई लोगों ने ठेले लगा रखे हैं और नीचे से बह रहा है इनका पानी। ये देखो यहाँ पर तिकोनिया का एरिया देखो, यहाँ पर कितना पानी को भी देखिए, देखो कितना पानी यहाँ पर रोड पर आ गया है ये साइड को। अगर थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा पानी आएगा तो यहाँ पर दुकान में भी यहाँ पर घुस जाएगा। देखो यहाँ से कैसा आ रहा है पानी, ये देखो कितना पानी यहाँ पर रोड पर घुस गया है। और यहाँ का भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर पूरा कचरा भरा पड़ा है और नाला एकदम चौक हो गया है यहाँ पर, इसलिए पानी की निकासी ना कम हो रही है यहाँ पर। यहाँ नीचे तक यहाँ पर पानी रहेगा, ये देखो आप, ये देखो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ी के टायर से यहाँ पर पानी उछल रहा है। अभी थोड़ा बारिश कम है तो थोड़ा सा पानी अभी यहाँ पर कम हो गया है, फिर भी काफ़ी पानी है यहाँ पर। ये देखो दिखा रहा हूँ आपको, ये है तिकोनिया का एरिया। पानी जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नाले वगैरह एकदम चौक हो गए, रोड पर आ जाता है पानी। ये देखो आप, ये देखो मेन तिकोनिया का एरिया है। अब मैं थोड़ा सा बगल में आपको एक एरिया और दिखा देता हूँ, जहाँ पर जो नहर की दीवार टूट गई थी उसके बाद रोड वहाँ से धस गई थी। जो पीछे वाला जो क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टूट गई, तो यहाँ पर चल रहा है अभी काम, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। और ज़रा और नीचे को दिखा देता हूँ, मेरे को ये देखो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कितना पानी भर गया। ये दुकानें हैं, दुकानें के बाहर देख रहे हो आप, ये देखो इस तरीके से यहाँ पर पानी भर गया है पूरा। अगर थोड़ा और पानी भरेगा तो नीचे घुस जाएगा, देखो स्कूटी पूरी घुस गई है अंदर। अरे साइलेंसर में पानी चला जाएगा, पानी चला जाएगा उसमें, ये पीछे उतर जाओ। देखो भाई लोग जबरदस्ती ना स्कूटी चढ़ा रहे हैं अंदर, पानी घुसा गया तो खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ तक पानी घुसा है, ये देखो बैरिकेडिंग लगी हुई है, यहाँ पर भी पानी है। ये देखो गुलाटी रेस्टोरेंट के ठीक बाहर, ये देखो नाला एकदम भर गया तो ऊपर बह रहा है पानी नाले के ऊपर। ये देखो दिख रहा होगा आगे तक यही पानी नीचे तक बहता यहाँ चला जा रहा है। ये देखो कार यहाँ पर खड़ी है और उसके नीचे से पानी कैसा बह रहा है, देखो नाला का गंदा पानी है। नज़ारे देखो, अभी थोड़ा सा बारिश कम होगी मगर हल्की फुल्की यहाँ पर बारिश हो ही रही है। और ये साइड का एरिया देखिए, मौसम एकदम ना बिल्कुल बादल, बिल्कुल घने बादल हैं, काले घने बादल। बारिश यहाँ पर कंटिन्यू होती रहेगी, अभी पता नहीं कब रुकेगी इसका कोई अनुमान है, कि फिर हाल है नहीं। यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त है,
लोग अभी थोड़ा बहुत निकल रहे हैं, गाड़ियां लगभग चल ही रही हैं, मगर उतनी नहीं चल रही जितनी चलनी चाहिए बारिश की वजह से। और ज़रा मैं ये साइड का ज़रा एरिया आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर रोड धस गई थी तो काम अभी बंद है। बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं यहाँ पर, 2 JCB मशीन यहाँ पर रखी हुई हैं और एक बड़ी मशीन यहाँ पर आई हुई है। देखो नहर का काम जो है प्रगति पर है और सुविधा के लिए खेद है। मैं ज़रा यहाँ दिखा देता हूँ कि कितना यहाँ पर काम हो गया है अभी। ये देखिए अभी मैं अंदर से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो ये नीचे से जो नहर आती है ना, आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो नीचे से नहर आती है तिकोनिया से जो बरसाती नहर नीचे को आती है, ये अंडरग्राउंड थी तो यहाँ पर जो नीचे की दीवार थी वो धस गई थी। अब जब तक यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, बारिश रुकेगी नहीं, ये काम लगभग रुका रहेगा क्योंकि बारिश में काम कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी जो इसके ऊपर जो पटाल थे, जो पटाल तो क्या कहेंगे उसको, जो इसमें लैंडर डला हुआ था, काफ़ी पुराने ज़माने का लैंडर डला हुआ था, आप ये देख रहे होंगे इसकी जो गिट्टियाँ वगैरह, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि काफ़ी पुराना, मतलब 100 साल से भी पुराना यहाँ पर ये लेंटर था। और इसकी जो साइड की दीवार है उसके धंसने से यहाँ पर रोड डैमेज हो गई थी। PTBLD की यहाँ पर कोई गलती नहीं है, PTBLD की वजह से रोड डैमेज नहीं हुई, रोड डैमेज हुई थी यहाँ पर, नहर की जो नीचे की दीवार थी वो टूट गई थी। तो यहाँ पर बड़ी मशीन लगी है, अब जैसे यहाँ पर बारिश रुकेगी तो ये काम चालू करेंगे, मगर बारिश अभी रुक नहीं रही है, पानी अभी यहाँ पर काफ़ी है। ज़रा मैं ये साइड से दिखा देता हूँ, यहाँ पर पत्थर वगैरह भी आ गए हैं, ये देखिए वाला है भाई। देखो यहाँ पर लोगों को काफ़ी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आने जाने के लिए, ट्रैफिक के लिए, कि भाई यहाँ पर ये देखो वो साइड से इतना, ये देखो ये जो नीचे की दीवार है ना, मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा दिख रही है वो दीवार पे, इस टाइप की दीवारें थी, मतलब बहुत पुराने ज़माने की ये दीवारें थी, वो दीवार टूटी, ये साइड की दीवार यहाँ से टूटी। ये देखो थोड़ा रिस्क है, ये देखो यहाँ पर थोड़ा रिस्क हो रहा है क्योंकि यहाँ से नीचे बह सकता है और वहाँ का देख रहे हो नीचे से आ रही है पटाल, देखो काफ़ी पुराना लेंडर, कितना पुराना लेंडर था ये, 100 साल से ऊपर नहीं, ये तो 50 साल पुराना ही था पुराना। तो अभी यहाँ पर इन्होंने कहा कि 50-60 साल पुराना ये था और यहाँ पर काम बंद है भाई लोग। यहाँ पर ये देखो पत्थर वगैरह यहाँ पर सब कुछ आया हुआ है, जैसे यहाँ पर बारिश बंद होगी तो ये काम चलेगा। तो सामने नहर जाती है ना, ये एरिया से वो जाती है, इसके अंदर से वो नहर जाती है, अंडरग्राउंड है, देखो यहाँ से अंडरग्राउंड है और यहाँ यहाँ तक ये नहर है, यहाँ से इस तरीके से अंडरग्राउंड होते हुए वहाँ निकलती है। पानी भर गया है ये साइड, देखो हल्का फुल्का अभी यहाँ पानी मतलब निकास हो गया है, फिर भी मिट्टी वगैरह यहाँ पर काफ़ी है यहाँ पर। ये देखो गमलों को तो यार बढ़िया हो गया, आजकल गमले में ना पानी डालने की ज़रूरत नहीं, एकदम हरे भरे लग रहे हैं, ऊपर का क्षेत्र एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी मैं एक डिग्री कॉलेज जो आपको सामने दिख रहा है उसके ठीक सामने हूँ। यहाँ पर सुबह एक अनियंत्रित होकर ना एक जो ये इंडियन गैस की जो गाड़ी है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्रैश कर गई, आप देख रहे हो डिवाइडर में यहाँ पर लगी है, ये देखिए यहाँ पर डिवाइडर में लगी है और ये इधर को क्रैश हो गई है। गैस ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, पता नहीं क्या हुआ इसमें, यहाँ पर इस तरह से खड़ी है ये बारिश में, और बारिश अभी बहुत तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है, देख रहे हो बहुत ज़्यादा हो गई, रुक रुक के यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। ये डिग्री कॉलेज के सामने का एरिया है, ये देखिए देख रहे हो आप गैस के कारण यहाँ पर ये जो साइड का ये है ना, यहाँ पर इधर को ये हो गई, इसमें गैस है तो कुछ है नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई इसमें, और बारिश काफ़ी तेज़ है, गैस की गाड़ी एकदम खाली है यहाँ का, ये नज़ारा है देखिए। हमारे यहाँ पर लगभग बारिश हो रही है, यहाँ पर काफ़ी तेज बारिश है, देखो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितनी बारिश है, थोड़ा ये सिर्फ रोड का ही पानी है यहाँ पर आगे तक, ये लगा रहे हैं यहाँ पर। दुकानें खुली हैं, लोगों ने कुछ कुछ लोगों ने दुकानें खोली हैं और ज़्यादातर लोगों ने बंद करी हैं, लोग यहाँ पर छाता होके जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर काफ़ी भीग रहे हैं लोग यहाँ पर क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ है यहाँ पर। हूँ यहाँ पर आवास विकास में, आप ये देख रहे होंगे पंचेश्वर मंदिर सामने है, उसका प्रांगण देखिए कितना भर गया है बारिश से, आप ये देख रहे होंगे पूरा यहाँ पर तालाब बन गया है, देख रहे हो आप, ये देखो इतनी बारिश है यहाँ पर, अभी और बारिश होती जाएगी तो ऊपर तक भर जाएगा, ये देखो यहाँ तक पूरा भर गया है, इसकी कोई निकासी नहीं है कहीं से भी, इसका निकासी नहीं, हल्का सा वहाँ से निकासी है तो वहाँ पर कचरा अचरा जम जाता है तो उतना पानी यहाँ पर जा नहीं पाता है, तो ये हालात है यहाँ पर जगह जगह के।
तो गाइस अभी तिकोनिया से वीडियो समाप्त करते हैं। तिकोनिया में यहाँ पर किस तरह का हलचल था, पानी यहाँ पर काफ़ी भरा हुआ है, पीछे साइड को अगर नाला उफान हो गया तो नाले में कचरा अटकने की वजह से, ज़्यादा पानी होने की वजह से यहाँ पर रोड पर आया। और पीछे जो गैरेज है, राउत जी का जो गैरेज है, वो गैरेज में भी पानी भरा हुआ है अंदर, मैंने आपको वो भी दिखाया। अब वो पानी वो लोगों को पंप की मदद से बाहर निकालेंगे, काम धंधा तो एकदम खपी पड़ा हुआ है जनजीवन। और तिकोनिया का एरिया आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए ऊपर का सीन दिखे कितना मस्त लग रहा है, मगर बारिश कम होगी तो अच्छा लगेगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यहाँ पर किस तरह से होना चाहिए। मिलते हैं कुछ ऐसे नए इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए तिकोनिया से बाय बाय करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।